आमतौर पे लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, कांग्रेस अपनी गलतियों से सीख नहीं रही है। यदि गलतियों से सीख नहीं रही है, इसका मतलब क्या भारत द्रोह का कोई बहुत बड़ा एजेंडा कांग्रेस का है? मैं लगातार ये कहता रहा कि राहुल की पूरी ये न्याय यात्रा मुस्लिम बहुल इलाके से ही क्यों है? क्या कांग्रेस ये मान चुकी हुई है कि वो आजाद भारत की मुस्लिम लीग है? क्या कांग्रेस अब हताश कांग्रेस भारत विभाजन चाहती है? कैसे बिहार में जातीय युद्ध की साजिश थी, नीतीश कुमार को यूं ही नहीं लाना मजबूरी रह गई। न्याय यात्रा का समय ठीक उसी समय में और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान लोकसभा चुनाव से पहले भारत में एक बड़ा जातीय हिंसा, सांप्रदायिक नहीं जातीय हिंसा, अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसको शाह ने पहचान लिया और पूरा खेल खत्म हो गया। लेकिन कांग्रेस सुधरने को तैयार नहीं हो रही है। कांग्रेस रामद्रोह के बाद अब हनुमान द्रोह पे उतर रही है। जिन्होंने राम मंदिर के लिए, प्रभु राम की मूर्ति के लिए पत्थर उपलब्ध कराए, उसे सजा देने पर आतुर है। और जो बात मैं लगातार कह रहा था कि मुस्लिम बहुल इलाके से क्यों निकल रही है यात्रा, ये बात हेमंत विश्व शर्मा ने अक्षरशः वही बात कही है जो मैं लगातार अपने शो में लगातार मैं कहता रहा कि बहुत बड़ी साजिश है। और वो साजिश बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर होनी थी, जिसकी हवा निकाल ली गई,